चलिए आप सभी को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवा देता हूं। खबर आ रही है कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर के। कर्नाटक हिजाब विवाद के अंतर्गत आज कर्नाटक का हाईकोर्ट इसमें फैसला सुनाने वाला था और इसका फैसला सामने आ चुका है। कर्नाटक हिजाब विवाद के मामले के अंदर अब ये फैसला सामने आया है कि स्कूलों के अंतर्गत स्कूल यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। इसमें जो ये हिजाब विवाद चल रहा था, इस हिजाब विवाद को लेकर के कर्नाटक हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसमें ये सामने आया है कि हिजाब पहनना कहीं पर भी इस्लाम के अंदर जरूरी नहीं बताया। तो इसी को लेकर के आप सभी को एक पूरी रिपोर्ट से अवगत कराऊंगा कि आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला सामने आया है और ये जो इस्लाम विवाद है, ये इस्लाम विवाद को आखिरकार कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे क्या असर पड़ता हुआ नजर आएगा और क्या असर इसके फैसले से नजर नहीं आएगा। तो देखिए सीधा हमारे इस रिपोर्ट में। कर्नाटक के अंदर जारी हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। हाईकोर्ट की 3 मेंबर वाली बेंच ने कहा है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्कूल कॉलेज में हिजाब पहनने की इजाजत देने से इनकार किया था। इससे पहले फैसले के मद्देनजर बात करें तो पूरे दक्षिण कर्नाटक में धारा 144 भी लगा दी गई थी। दक्षिण कर्नाटक के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। इससे पहले 25 फरवरी को कोर्ट ने 11 दिन की सुनवाई के बाद फैसला भी सुरक्षित रखा था। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से दी गई दलील की पुष्टि के लिए उनसे पवित्र कुरान की एक प्रति मांगी थी। जस्टिस दीक्षित ने इस दौरान पूछा क्या यह कुरान की प्रमाणिक प्रति है, इसके प्रमाणिक होने पर तो कोई विवाद नहीं। इस पर एडवोकेट जनरल ने कहा था कि कुरान के कई अनुवाद हैं। फिलहाल तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।